अर्थात लोहा लोहे को ही काटेगा। अब तुम्हें जगह देखकर हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या प्रारंभ की ब्रह्मदेव की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, तमाम झंझा भाषाएं बहुत हिरण्यकश्यप की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने तमाम तपस्या, इंद्र ने बहुत कोशिश की, किंतु कोई भी सफल ना हो पाया, सब हार गए। हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या में अटक रहा। अंत में ब्रह्मदेव को आ नहीं पड़ा। ब्रह्मदेव ने कहा, उठो अर्ज। हिरण्यकश्यप, पौत्र नेत्र खोलो, देखो पितामह तुम्हारे समक्ष खड़े हैं। जय पितामह, आपकी जय हो। वत्स, जो वर मांगना चाहते हो वर मांग लो। क्यों मुझे इस पति में लाए हो? ब्रह्मदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अमृत का प्रदान कर, तुझे अमर वर अमर कर, कोई किसी से भी ना ऐसा अमृत का प्रदान कर। असंभव, मैं भी प्रकृति के नियम में बंधा हुआ हूं। तुम अमृत पर छोड़कर कुछ और मांग लो, और कुछ मांगो, मैं तुम्हें सहर्ष दे दूंगा। क्रोध को दबाते हुए हिरण्यकश्यप ने सोचा, ठीक है, ब्रह्मदेव को किसी न किसी तरह अपनी ओर छुपाना ही पड़ेगा। कहता है, यह सृष्टि जो निज कर आप रखी, को होए न मोही को मार न मारो, फल और जल अग्नि के ना ही मरो, क्षिति अंबर में नहीं जाऊं संघारो, को मालुक जीव न जंतु हने, नहीं मृत्यु बने खग पंख पसारो, निस्वासर मार सके न को, घर भीतर बाहर जाऊं न मारो, नहीं अस्त्र हने नहीं शस्त्र हने, मम देह को नाथ कवच कर दावो, नहीं बारह बात में आत घनी, फिर राख को जाते जाए दावो। यदि आप प्रसन्न है तो मुझे उपरोक्त जितने बार मैंने बोले हैं सब दे, कृपा करो। अर्थात तुमने भाई सभी मान लिया है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें तुम्हारे कहे हुए सारे वचन देता हूं, सबसे पूर्ण हो। ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर हिरण्यकश्यप बहुत ही शक्तिशाली राजा बन गया। तेरे रूप में उसे ईश्वर भक्त पुत्र प्राप्त हुआ, जो विष्णु का भक्त था। अर्थात तेरे वेर का संग जैसे में थे, हम दान दंड भेद हर तरह का सहारा लिया, किंतु अपने पुत्र को नहीं समझा पाया। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं। और अंत में वह दृश्य आया जिसके लिए हम सब प्रस्तुत हैं, प्रशिक्षा सोच रहा है क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कैसे पीछा छू के अधम से ऊपर हो आया है, मेरी सफम लगा करके कहे सब ईश्वर को वरुण सब से रवि कुबे आगे करे झुककर रस। परंतु कुल कलंक के पुत्र ऐसा हाथ आया।
है, हजारों पाप दे डाले मगर ना बाज आया है। गिराया उच्च दिल से किस धरों के कीर्त डलवाया, गराया ढोल का पान गज पग से कुचल माया। बेचारे भोर का के गोद बैठा उसको जलवाया, मगर उस दुष्ट का मैं बाल बाका भी न कर पाया। अब तो मन में बस एक ही बात आती है कि या तो भाई कुल कलंकी अपने मरने की तरकीब बता दे या फिर मेरी संसार दे। किंतु मैं तो अमर हूं, ओ ये अमृत भी कितना खा सकता, कितना खा सकता, न उसको मार ही पाता न खुद ही मर ही पाता हूँ। जहर का पान का पीकर हरा में हंसता जाता राजन। शुक्र नीति के अनुसार एक बार पुनः प्रयास करके देखो, कदाचित वह मार्ग पर आ जाए। प्रयास प्रयास एक बार होता है, प्रयास दो बार होता है और अंत में तीसरी बार होता है। नहीं राजन, अपनों को सुधारने के लिए प्रयास बार बार होता है, हजार बार होता है। आखिर वह आपका पुत्र ही तो है। नहीं वह नहीं हमारा पुत्र रहा, उससे का पिता का नाता है। मतिमंद हमारी आंखों में कंकर सा चुपता जाता है। जब भी होली सूरत लेकर जब सन्मुख मेरे आता है, जिस भले तीर से खोल अति कष्ट मुझे पहुंचाता है। राजन एक बार पुनः मेरे समक्ष होके आने दो, देखता हूँ कुछ तो विचार करना ही पड़ेगा। आगे आपका पुत्र ही है, देखता प्रतिहारी जाओ उस चरणाल को यहां उपस्थित करो। गुरुदेव आपने सुना उसकी आवाज मेरे कानों को कितनी परेशान कर रही है। ठहर जा दुष्ट, दुश्मन का भला तू कितना दीवाना, क्षमा की लौ में खुद जल जाएगा। अब आके करवाना, बहुत समझाया लेकिन एक ना मेरी कही माना। तो ले को मिटाने के लिए मैंने भी प्राण खाना। तुम्हारे हृदय में अपने पिता के लिए तनिक भी दया नहीं है? देखो तुम्हारी बाल हट के कारण इनकी क्या दशा हो गई है। ना जाने पिताजी क्यों बाल हट से फोड़ ले रहे हैं। अरे दुर्गनी अधम चांडा, यदि तू मुझे अब भी अपना ईश्वर मान ले परमेश्वर मान ले तो मैं तुझे प्राण दान दे सकता हूँ, तुझे अपना युवराज घोषित कर दूंगा, तुझे वे सारी सुविधाएं सुख प्राप्त होगी जिनसे अभी तक तू वंचित रहा। तू मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे प्राणों से प्यारा है।
है गर्व मुझे तुझ पर बेटा, तू ही आंखों का तारा है। प्रहलाद, तुमने अपने पिता के अतिरिक्त जो अन्य किसी ईश्वर की कल्पना मात्र की है वह झूठ है, निराधार है। शुक्रदेव, आधार कभी निराधार नहीं होता। यदि भैया तो दिखाई क्यों नहीं देता? पवन दिखाई देती है, किंतु वह स्पर्श से ज्ञात हो जाती है। आत्मा दिखाई देती है, किंतु वह शब्द से जानी जाती है। संगीत से स्वर का रूप दिखाई देता है, उसका अनुमान ध्वनि से किया जाता है। सुगंधित पुष्प दूर तक महकता है, हाँ हाँ, तभी तो वह पकड़ में आता है। बस ठीक उसी प्रकार सर्वव्यापी श्री हरि है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जी पिताजी, ऐसा ही है। यदि ऐसा है तो बता कहाँ है उसका अस्तित्व, कहाँ है अमृत उसका, बता। Thank you.
अब तूने ये रूप रखा है, अब तूने ये रूप रखा है। बहना तू मेरे चरणों से नहीं बच सकता है। चलिए देख जा तुझे कहता दुष्ट, अब तू कहाँ बचकर जाएगा। चुकाओ भाई का बदला, दे धरू तेरे रक्त से अंजलि। चढ़ाओ अतुल देवी माँ स्थिति पर आज तेरी बलि। पापी आज मेरे चरणों से नहीं बच पाएगा, मुझे तेरी सत्य बरदान बनाते हैं। पिता मैसे मुझे कुछ नहीं होगा। तालियों की गड़गड़ाहट में बता दिया कि आपको यह नृत्य नाटिका कितनी पसंद आई। गणेश संगीत महाविद्यालय की बालिकाओं द्वारा, बालकों द्वारा, छात्रों द्वारा धन्यवाद।
ओके सब लोग एक साथ तालियां बजाएं। ये गणेश संगीत विद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एक कार्यक्रम की कोशिश थी जो हमें दर्शकों ने बता दिया कि कार्यक्रम कितना सफल रहा और ये बालक बालिकाएं 17-18 हैं जो कार्यक्रम में भाग लिए थे। कार्यक्रम का नाम क्या था और किस किस बच्चा कलाकार ने क्या क्या काम किया? हाँ, ये मैं बतलाता हूँ। जो अभी नृत्य नाटक आपने भक्त प्रहलाद की देखी, उसमें मेरी बेटी है ऋचा, इसने हिरण्यकश्यप का रोल किया। और कहाँ है श्रुति? नरसिंह भगवान के रूप में थी श्रुति। रूपाली अग्रवाल ये हैं शुक्राचार्य के रूप में। और अंत में जो स्टेज के हीरो हैं भक्त प्रहलाद, मनसा अग्रवाल, मनसा सेठ, मनसा सेठ छोटे छोटे ये तबले पर जो प्ले कर रहे थे। आओ बेटा इधर को आओ। हाँ, ओम झा और ये हैं शुभ सोनी। अच्छा, और आप हैं मैम वैदेही जी और कहाँ भारती? हाँ, ये हैं भारती, इन्होंने गायन में बहुत अधिक सहयोग दिया। अच्छा, अब आगे का। मैं वैदेही खंडकर गणेश संगीत विद्यालय की शिक्षिका हूँ। अभी हमारे सभी छात्र छात्राओं ने सबसे पहले सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, उसके बाद लोकगीत, और एक छात्रा है जिसने थोड़ा भजन एक छोटा सा प्रस्तुत किया, उससे उसके बाद नृत्य नाटिका की प्रस्तुति हुई, जिसमें अभी आप सबने देखा होगा कि भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी, और जो कि बहुत ही मनमोहक रही। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। मेरा नाम ऋचा है, मैं गणेश विद्यालय में शिक्षिका हूँ, और मैंने नृत्य नाटिका में हिरण्यकश्यप का रोल प्ले किया है। मेरा नाम भारती है। प्रहलाद के जो भी डायलॉग थे वो सारे मैंने बोले हैं, और हमें बड़ा मज़ा आया बोलते टाइम, क्योंकि बहुत अच्छे डायलॉग थे, सबको अच्छा लगा और हम लोगों को भी अच्छा लगा साथ में। थैंक यू। मेरा नाम श्रुति गुप्ता, मैं गणेश संगीत विद्यालय की कथक की छात्रा हूँ। मैंने नृत्य नाटिका में नरसिंह भगवान का किरदार निभाया। मेरा नाम रूपाली अग्रवाल, जोर से, मैं कथक नृत्य की शिक्षिका हूँ। मैंने शुक्राचार्य का रोल प्ले किया। मेरा नाम मंशा सेठ है, मैंने भक्त प्रहलाद का रोल प्ले किया। संगीत भाव संगीत गणेश विद्यालय में बताता हूँ, और बच्चों ने लघु नाटक के पहले भजन माँ सरस्वती की वंदना और एक लोकगीत प्रस्तुत किया था, जिसमें तबले पर संगत अनुराग वर्मा ने की थी, और 8 बच्चों ने बहुत ही अच्छा गायन प्रस्तुत किया था। श्री गणेश संगीत विद्यालय से मैं सुप्रिया खानवलकर, आज पहले भी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ अपने बच्चों को लेकर, और पहले भी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही थी। उस समय सिर्फ नृत्य की प्रस्तुति थी, और आज गायन और नृत्य दोनों की प्रस्तुति थी। तो सर्वप्रथम गायन में सरस्वती वंदना भजन और लोकगीत हुआ, उसके बाद में भक्त प्रहलाद का नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, और हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, और जब आप सभी का सपोर्ट मिलता है तो और अच्छा लगता है, और विद्यालय में भी हमारे सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं हमारा साथ देती है, तभी हम यहाँ पर प्रस्तुति अच्छे से दे पाते हैं। ज्ञान भक्ति चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो भी हमारा सपोर्ट